हेलो फ्रेंड्स दिस इज नीत पंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन सो फ्रेंड्स जैसे कि uh, हम पिछली कुछ वीडियोस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके थे एंड आफ्टर दैट आई गोट अ लोड ऑफ कमेंट्स बहुत सारे बच्चे जो है आर्मी पब्लिक स्कूल के इंटरव्यूज को लेकर बहुत ज्यादा कन्फ्यूज थे उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले सो आई थॉक दै मैं उन पॉइंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दू सो so आपके, uh, आपके दे में है बहुत सारी डाउट्स uh, है वो सब क्लियर हो जाए सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब ऑल दोज पॉइंट दैट आई हैव गोड फ्राम द कमेंट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटर्न सम ऑफ द कमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल से जो है कन्फ्यूज है दैट एक्चुअली रेगुलर फिक्स टर्म एंड एडहॉक इन सब चीजों के अंदर क्या डिफरेंस है सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर अभी जो है रेगुलर इंटरव्यूज जो है निकल रही हैं। सो मैं आपको जो है डिस्क्राइब करती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर फिक्स टर्म एंड एडहॉक तो जो हमारी एडहॉक होती है ये इंटरव्यू नॉर्मल इंटरव्यूज की तरह होती हैं बट इस इंटरव्यू के बाद आपको जो कॉन्ट्रैक्ट uh, जो जॉब मिलेगी आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर वो ओनली वन ईयर के लिए मिलेगी एंड द सैलरी सैलरीज जो है वो डिफरेंट रहती हैं हर रीजन की हर जगह की ठीक है सेकेंड थिंग इज फिक्स टर्म फिक्स टर्म इज जो आप सी एस बी क्वालिफाई करके आए हैं उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे और वो जो आपकी जॉब लगेगी इट विल बी फॉर थ्री ईयर्स तीन साल के लिए जॉब रहेगी एंड सैलरी डिफरेंस रहेगा एड में सैलरी आपकी किसी जगह थर्टी थाउजेंड रहेगी किसी जगह थर्टी टू थाउजेंड रहेगी किसी जगह ट्वेंटी टू थाउजेंड रहेगी ये डिपेंड करता है कि कैसी सिटी में आप जॉब कर रहे हैं आरबी पब्लिक स्कूल में सेकेंड थिंग इज कॉन्ट्रेक्चुअल दैट इज फिक्स टर्म फिक्स टर्म थ्री ईयर के लिए जॉब रहेगी और इसकी सैलरी पीआरटी में फोर्टी प्लस टीजीटी में फोर्टी प्लस एंड पीजीटी में भी सेम रहेगी ऑलमोस्ट वन और टू थाउजेंड का डिफरेंस रहता है सो दिस इज आवर फिक्स टर्म एंड देन आ जाती है हमारी रेगुलर वट इज रेगुलर सो रेगुलर में आपका सी uh, आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आप लोग इंटरव्यू देंगे एंड इन दैट इंटरव्यू जो इंटरव्यू थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी क्योंकि उसके अंदर सभी स्कूल के उस क्लस्टर के पूरे स्कूल के प्रिंसिपल रहते हैं एंड वो इंटरव्यू उनके द्वारा ली जाती है सो दैट इंटरव्यू विल बी डिफिकल्ट बट उसके बाद जो आपको जॉब मिलेगी वो रेगुलर जॉब रहेगी लाइफ टाइम आपको दोबारा इंटरव्यू नहीं देना होगा अगर आपको आर्मी स्कूल में ही जॉब करना है एंड सैलरीज जो है कॉन्ट्रेक्चुअल जितनी ही होती है बट उसमें जो है एचआरए एड हो जाता है तो थोड़ी सी हमारी सैलरी बढ़ जाती है इन फर्स्ट ईयर में भी थोड़ी रहे सेकेंड ईयर तक थोड़ी 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 और बढ़ जाए सो so, उसमें जो है एचआरए ऐड होता जाता है और आपकी सैलरीज और ज्यादा बढ़ जाती है रेगुलर जॉब सो गाइस सबसे पहले तो कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि ये जो हमारी रेगुलर uh, जॉब है ये गवर्नमेंट जॉब है और प्राइवेट जॉब है सो लेट मी क्लियर यू दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब दिस इज अ प्राइवेट जॉब ये किसके अंदर आता है तो आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी के अंदर आता है आर्मी के अंडर आता है बट इट इज अ प्राइवेट जॉब सैलरीज बहुत अच्छी रहती हैं बट uh, अगर कहें कि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट जॉब ये नहीं होती है सेकेंड थिंग बट ये रेगुलर रहती है सेकेंड जो मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे दैट इज लेसन प्लान सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जिस स्कूल के अंदर अप्लाई करा है उससे आपको या तो ईमेल आएगा या फिर टेलीफोनिक कॉल आएगी या फिर दोनों आएंगी सो so, उससे आप डरिए मत कि हमें सिर्फ ईमेल आया है कॉल नहीं आई है अब हमें इंटरव्यू में जाना है कि नहीं जाना है सो यू हैव टू गो अगर आपको ईमेल आया है देन आल्सो यू हैव टू गो अगर आपको कॉल आई है देन ऑल्सो यू हैव टू गो एंड अगर जिसको मेल भी नहीं आई है कॉल भी नहीं आई है इट मीन्स कि आप शॉर्टलिस्टेड नहीं है इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है पहले कैंडिडेट्स को और उसके बाद उनको जो है या तो कॉल किया जाता है और या फिर उनको ईमेल भेजा जाता है या फिर उनको कॉल और ईमेल दोनों किए जाते हैं सो दिस इज द सेकेंड थिंग एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि ई आया है और उसमें लेसन प्लान मैंशन है सो so, अगर आपको ई आया है उसमें लेसन प्लान मैंशन है कि आपको लेसन प्लान साथ में लेकर आना है इट मीन्स उसका मतलब है कि कि आपको उन्होंने एक चॉइस दे दी है कि आप कोई भी एक टॉपिक लीजिए जो आपको पढ़ाना है उस पर लेसन प्लान बनाइए उस उसको डिस्क्राइब कीजिए कि आप किस तरह पढ़ाएंगे फिर वहां जाकर आपको उसी चीज पर डेमो देना होगा बट ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉपिक तैयार किया उस पर लेसन प्लान बनाया और उसी की ही डेमो प्रिपेयर किया रिमेम्बर कि ये कंफ्यूज भी कर सकते हैं वो आपको लेसन प्लान बनाने के लिए कह रहे हैं आप लेसन प्लान बनाकर ले गए आपने उसी को तैयार कर लिया बट उसके साथ साथ अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो नाइन्थ टेंथ की बुक्स नाइन्थ टेंथ की बुक्स को अच्छी तरह याद करके जाइए उसमें से सारे डेमो के आइडियाज लेकर जाइए और हां अगर लेसन प्लान का कहा है तो टीएलएम जरूर लेकर जाइए ठीक है और नहीं तो ऐसे आइडियाज लेकर जाइए आपको टीएलएम की जरूरत ना पड़े आप वहीं की चीजें यूज करके जो है रियल लाइफ एक्टिविटीज करा सके सेकेंड थिंग इज अगर आपको लेसन प्लान ई मेल में मैंशन नहीं किया गया इफ इट इज नॉट मैंशन इन द ई मेल दैन इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप उसको लेकर जाए लेसन प्लान लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको ईमेल में नहीं आया या फिर कॉल पर नहीं कहा है इफ दे सेट दैट वर्बली कि आपको लेकर आना है इन रिटर्न कि आपको लेसन प्लान लेकर आना है देन ओनली यू हैव टू कैरी थर्ड थिंग इज सीपीटी के अंदर अपना लैपटॉप लेकर जाना है कि नहीं नो no. सीपीटी जब होगी वो आपको कंप्यूटर लैब में लेकर जाएंगे या फिर उनकी अपनी कुछ कंप्यूटर टीआरसी uh, होती हैं वहां पर लैब्स होती हैं तो वो आपको उसके अंदर लेकर जाएंगे वहां पर जाके उनके ही कंप्यूटर पर आपको काम करना पड़ेगा योर लैपटॉप जो है इट्स नॉट अलाउड देयर देन थिंग इज दैट हा ड्रेस कोड कुछ लोग बोल रहे थे कि साड़ी पहननी गर्ल्स में जरूरी है क्या या फिर अनमेरिड है तो साड़ी पहनना जरूरी है वी का काफी वेयर सूट सो आप सूट भी पहन सकते हैं साड़ी भी पहन सकते हैं च्वाइस इज योर बट आपको तो इंटरव्यू देने जाना है ना यहां पर कोई ड्रेस कोड नहीं है उन्होंने बस ये कहा है कि फॉर्मली आना है दे जस्ट वॉन्ट टू सी कि आप किस तरह खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं तो अगर आप साड़ी पहनकर जाएंगे इट लुक्स बेटर देन सूट अगर आप सूट पहन के जा रहे हैं देन ओ इट्स गुड अच्छा लगता है वो भी बट सूट एक डिसेंट कलर हो जैसे ऑफ कलर्स होते हैं लाइट पिंक लाइट ब्लू वाइट ब्लैक इस तरह के थोड़े से डल कलर्स हो जाए जिसमें कि आप बहुत ज्यादा डिसेंट लगे ना कि बहुत ब्राइट कलर और चमक धमक वाले सूट पहन के जा रहे हैं आप बहुत डिसेंट कपड़े होने चाहिए सो इट्स बेटर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इंटरव्यू अगर आ, रेगुलर में जा रहे हैं तो वेयर साड़ी और अगर सर्दी है साड़ी पहनिए ऊपर से ब्लेजर पहनिए शूज पे, शूज में आप कोई भी ऐसे शूज नहीं पहन के जाएं एक प्रॉपर फॉर्मल गर्ल्स के लिए बेली होती है ब्लैक कलर की ब्लैक कलर की बैली पहनकर जाए उससे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा बिकॉज वहां पर आपकी पर्सनैलिटी भी जज की जाएगी अलॉन्ग विथ योर नॉलेज आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाएगी आपकी आपका सब कुछ ओवरऑल चेक किया जाएगा आपको कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा देन uh, कुछ लोगों का ये क्यूरी थी कि हिंदी में इंटरव्यूज होती हैं इंग्लिश में होती हैं हम टीजीटी हिंदी जा रहे हैं पीजीटी हिंदी जा रहे हैं सो so, आप चाहे जो भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं आपकी खुद की सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी ही चाहिए अलोंग विद दैट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाए एटलीस्ट अगर वो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इंग्लिश में जवाब दीजिए जरूरी नहीं है कि अब आप टीजीटी हिंदी जा रहे हैं तो आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे आप टीजीटी एस एस टी में है आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश जो बेसिक आपको कम्युनिकेशन uh, करनी है अपनी इंट्रो देनी है इंट्रो तो आप इंग्लिश में ही देंगे सो so, अगर आपने इंट्रो इंग्लिश में दी है उन्होंने क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा है तो हाउ कैन यू स्पीक इन हिंदी देयर आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा हाँ आपकी सब्जेक्ट नॉलेज हिंदी में होनी चाहिए आप जब आंसर दे रहे हैं वो हिंदी में दीजिए ओके एंड देन कुछ uh, कुछ uh, जो कैंडिडेट्स हैं वो पूछ रहे थे कि आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो क्या आपको कोई बेनिफिट होगा सो ये आर्मी बैकग्राउंड से कोई बेनिफिट होगा ऐसा मैं कह नहीं सकती बिकॉज वहां पर बेनिफिट सिर्फ उसको होगा जिसके हस्बैंड आर्मी में ऑफिसर हैं इफ योर हस्बैंड इज ऑफिसर इन इंडियन आर्मी देन ओनली यू विल गेट बेनिफिट देर और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है बट हाँ दे कार डिनाई दैम आर्मी ऑफिसर की वाइफ को वो डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम आपको जॉब नहीं देंगे बट अगर आपके पेरेंट्स आर्मी में हैं या फिर आपके फादर आर्मी में ऑफिसर हैं तो आई डोंट थिंक कि वहां पर आपको कोई बेनिफिट मिलेगा ओवरऑल दे विल चेक योर कॉन्फिडेंस अगर आप में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है देन दे विल कंसिडर यू सेकेंड थिंग जो है हमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था दैट इंटरव्यू की प्रेपरेशन कैसे की जाए सो so, uh, मैंने जब भी आपको uh, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है मैंने हमेशा यही बात करी है कि इंटरव्यू की प्रेपरेशन आपको बेसिक कहीं से कुछ प्रिपेयर नहीं करना है आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक्स लेनी है इफ यू आर गोइंग फॉर पीआरटी, आपको एट्थ तक की अपने सब्जेक्ट की हर बुक हर एट तक की सब बुक्स की नॉलेज होनी चाहिए एवरी पॉइंट यू मस्ट नो देन अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट साइंस मैथ्स हिंदी इंग्लिश एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको हिंदी इंग्लिश की भी हो साइंस मैथ्स की भी हो इफ यू आर गोइंग फॉर टीजीटी तो आपकी सब्जेक्ट इफ सपोज दट आई एम गोइंग फॉर टीजी टी साइंस तो मुझे टीजी टी अपनी साइंस की नाइन्थ टेंथ की बुक्स एट्स तक तो आनी ही चाहिए बट नाइन्थ टेंथ के कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए उसके बाद इफ यूर गोइंग फॉर पीजीटी देन आपके इलेवन ट्वेल्थ के कॉन्सेप्ट एंड फर्दर मे बी बीएससी का भी पूछ लें आपकी ग्रेजुएश सॉरी ग्रेजुएशन का भी थोड़ा बहुत पूछ लें इफ यू आर फ्राम साइंस बैकग्राउंड बीएससी का पूछ लेंगे ठीक है सो दिस इज बेसिक फॉर योर सब्जेक्ट नॉलेज सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करेंगे और ये नहीं किसी सब्जेक्ट नॉलेज डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन वो आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछा है उसको वो घुमा सकते हैं और उसके बाद वो आपका सेकेंड ये तो सब्जेक्ट नॉलेज हो गया अब आपका ओवरऑल <coughs> वो कॉन्फिडेंस चेक करेंगे आप कितने कॉन्फिडेंट हो खुद को लेकर मे भी आपको कंफ्यूज करें साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछें कि कुछ भी साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कोई ऐसी कंडीशन दे सकते हैं कि आप स्कूल में हो ये हो गया ये हो गया आप आप क्या करेंगे टू चेक यू कि आप सच में क्या करेंगे अगर आप रियलिटी में जाते हैं तो रियलिटी में वहां पर क्या करेंगे ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं सेकेंड थिंग आपको वो डेमो के लिए हा डेमो उसी टाइम होता है जब आपकी इंटरव्यू हो रही है उसी में आपको बोल दिया जाता है ओके अब आपको ये टॉपिक सपोज गोइंग फॉर टीजीटी मैथ्स तो उन्होंने बोल दिया ओके अब आपको आ, नाइन्थ क्लास को पढ़ाना है और आपको जियोमेट्री पढ़ानी है आप बताइए आप कैसे कर, पढ़ाएंगे तो आपको वहां पर डेमो देना स्टार्ट कर देना है और ऐसा भी होता है लाइक टी मैथ्स में आ, उन्होंने कोई बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिख दिए और आपको वो सोल्व करना है और वो बताना है कि किस तरह से सोल्व करेंगे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और कोशिश कीजिएगा कि आपके जो आस अगर लेसन प्लान नहीं बोला है तो रूम में आपके पास जो जो चीजें हैं यूज देम ऑल और ऐसा कीजिए कि जो पैनल बैठा है उसी उन्हीं को बच्चे एज्यूम कर लीजिए कि वो बच्चे हैं और उनको इतने सारे क्वेश्चन पूछिए ताकि वो बोलने और कई बार तो ये भी हो जाता है कि आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो कुछ नहीं बोलेंगे आप कुछ नहीं बोलेंगे वो आपको कंफ्यूज करेंगे लेकिन आपको उनको मोटिवेट करना है कि वो जवाब दे लाइक आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस मेरी लाइफ की सेकेंड आर्मी पब्लिक स्कूल की इंटरव्यू थी So, उन्होंने मुझे बोला कि आपको फ्रैक्शन पढ़ाना है और इट वॉज इंटरव्यू ऑफ पी आर टी तो उन्होंने बोला कि आपको फ्रैक्शन पढ़ाना है थर्ड uh, क्लास के बच्चों को और बताओ कैसे पढ़ाओगे सो आई स्टार्टेड विथ लाइक दैट कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स चॉकलेट्स की एग्जाम्पल कैंडीज uh, की एग्जाम्पल और वो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा मैंने उनको मोटिवेट करा कि आप मुझे बताइए आपको पसंद है टॉफिस पसंद है उन्होंने किसी ने जवाब नहीं दिया फिर मैंने बोला ओ मेरी क्लास के बच्चों को तो सुन ही नहीं रहा कुछ और ये सब कुछ मैंने इंग्लिश में बोला था तो फिर मैंने बोला अच्छा uh, किसी को कैंडीज नहीं पसंद है तो वो फिर नहीं बोल रहे थे बट एट लास्ट फिर मैंने फिर से पूछा मैंने कहा अच्छा इतनी टेस्टी होती है कैंडीज तो आपको वो नहीं पसंद है तो फिर उनमें से उनके जो प्रिंसिपल थे वो उन्होंने बोला यस कैंडीज पसंद है मतलब कि वो मोटिवेट हो गए कि वो बोलेंगे ठीक है इस तरह से फिर मेरी एक और इंटरव्यू थी जिसमें मैं पूछ रही थी पर वो बता ही नहीं रहे थे कुछ बट मैंने उनको इतना मोटिवेट करा कि जो साइकोलॉजिस्ट थे वो खुद बोलने लगे सो so, आपको क्या करना है उनको मोटिवेट करना है पैनल को इस तरह से बनाना है कि वो आपके सवालों के जवाब दे आपको पैनल को बच्चे मान लेना है इस तरह से इंटरव्यू देनी है अपनी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हाई रखना है वहां पर आपको ऐसे दिखाना है कि मेरे से परफेक्ट कुछ नहीं है मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जाए से एक बार मेरे साथ भी इंटरव्यू में हुआ था मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था और आ, आ, मैंने उसका गलत जवाब दे दिया एंड मुझे वो पता चल गया कि मैंने गलत जवाब दे दिया है एंड मैं थोड़ी सी स्माइल की उनके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे वो भी थोड़ी से स्माइल की उन्होंने मुझे देख के उनको भी पता लग गया उनको तो पता था उनको पता लग गया कि आई हैव डिटेक्टेड कि मैंने आंसर गलत दिया है फिर उसके बाद मैंने उसको करेक्ट किया मेरे से गलती हो गई थी इसका मतलब ये था फिर उसके बाद आपसे वो रेंडमली बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे साइकोलॉजिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा साइकोलॉजी से रिलेटेड चाइल्ड साइकोलॉजी सो सीडीपी का थोड़ा बहुत पोर्शन आप कर जाना जैसे मेरे से पूछा था एक बार क्वेश्चन की बताइए कि जो कोग्निशन है कोग्नेटिव हमारी जो साइकोलॉजी है चाइल्ड की साइकोलॉजी है वो कितना पीसी एसी फिजिकल कोग्नेटिव सोशल इमोशन ये चार चीजें होती हैं उन्होंने मुझसे पूछा था इमोशन emotion. इमोशंस का बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसकी डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट होता है तो इस तरह की चीजें जो आप बेसिक साइकोलॉजी तैयार करके जाइए सब्जेक्ट तैयार करके जाइए अपनी इंट्रो तैयार करके जाइए इंट्रो में से क्या क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है वो तैयार करके जाइए सो दीज ऑल आर द बेसिंग थिंग्स जो, जो कि आपकी इंटरव्यू को क्लियर करवा देगी सो बेस्ट ऑफ लक गाइस जो भी रेगुलर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आई होप कि आप सभी के इंटरव्यू जो है क्रैक हो और आप सभी को रेगुलर uh, जॉब मिले uh, बाकी और कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं आपको जो है उसका जवाब पक्का दूंगी सो बाय बाय फ्रेंड्स